गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी जो मैं सो के उठ चुका हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ स्कूल के लिए एंड मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल रात को ही बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी है, तो इसी वजह से मैंने नहाया नहीं है। एंड अब तो थोड़ी ठीक है, रात से ठीक है। तो अभी मैं स्कूल जाऊँगा, पेपर दूंगा, उसके बाद फ़ोन कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। और स्कूल में तो बहुत बच्चों को पता नहीं उल्टी से आती है, क्योंकि बगल में ही नाला है, पूरी विंडो खुली रहती है, मैं विंडो बंद करने नहीं देती, वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इस वजह से आधे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है कि मैम बदबू आ रही है। तो फिर मैं फ़ोन करा दूँगा, तो जब मैं स्कूल से आ जाऊँगा मैं मिलता हूँ आपसे तब। हमारी थाली रेडी है और ये पानी रेडी है, तो चलते हैं। मैं जूते पहनता हूँ फिर चलेंगे, नहीं चप्पल ही पहनूँगा। आपका था एग्ज़ाम तो वो तो नहीं है, तो मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, तो चलते हैं। चले चले हैं, चप्पल पहनते हैं, चलते हैं। हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं माधव को लेने। क्या हो गया दिखाओ, मैं करूँ। गाइस, अभी हम उसको लेने जाएंगे, मैं आपको अपना स्कूल भी दिखा दूँगा, एक मिनट दिखाया तो शायद पहले। तो चलते हैं, करो स्टार्ट। जोर से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, हो गई थी। पापा, चाचू से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी वो जो स्टार्ट होगी वो क्या, किक मार लो। किक ही मार रहे हैं, किक नहीं मार रही चाचू भाई, नहीं हो रही स्टार्ट। किक मार रहे हैं, गियर निकाल, सारे खराब हो गई है। तो अभी हमने बुलेट निकाल ली और जा रहे हैं लेने। आपको थोड़े थोड़े से दिखा देता हूँ, कल सुबह 5 मिनट तक लगातार बोलता रहा, 1 मिनट बोल के बस चुप नहीं हो जाएगा, 5 मिनट लगातार बोलो, मैं देखना ऐसा होगा। लिए यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, तो चलते हैं। सब दुकानों पे घेवर मिलते हैं, और हमारे घर में सबको पसंद है ना घेवर, भैया भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, पापा भी, चाचू भी। पापा को तो सबसे ज्यादा पसंद है, तो घेवर। हाँ, हमारे यहाँ ब्रजवासी वाला हमारे यहाँ पर घेवर का बहुत महत्व है, सावन के महीने में खासकर। ये तो लगे कटोरी शेप क्या, दो तरीके का होता है घेवर, कौन कौन से? एक होता है सूखा घेवर, एक होता है मलाई घेवर। मलाई घेवर जो होता है वो गीला रहता है, खाने में भी सबसे अच्छा मलाई घेवर ही अच्छा लगता है, सूखा घेवर होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। एक और होता है ना घेवर, चलो तो मलाई है, घेवर और होता है जो सफेद सफेद होता है, सूखा सूखा होती है, वो भी सावन के महीने में ही आती है, वो भी सावन मिलती है, लच्छे लच्छे के फेनी, ये दूध से बनाते हैं सूत फेनी, यहाँ घेवर जैसे बाल बाल से होती है। ये है मलाई, ये मलाई वाला है, ये मलाई है, इधर लिखा भी है स्पेशल मलाई घेवर। तो
तो मैं भी खाऊंगा। देखो भैया मैं अकेले सारे खा सकता हूँ। सारे नहीं खा पाएगा। सारे खाना सारे में सबसे ज्यादा एक काजू की बर्फी। आपको तो अभी चीज हमें पसंद ना लगे, इतनी राग है पेट में दर्द ना होगा। कुछ नहीं होगा, मस्त एकदम मस्त रहेगा। सकता है मैं ना मुझ पे नहीं होगा इतने सारे। मैं तो एक ही मुश्किल से खाऊंगा। देख देख खाया जा रहा थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हैं। घेवर का घेवर से पागल हो जाता देखकर। रक्षाबंधन में इतना लाता है कि चाहे खा ना पाए जबरदस्ती खाना पड़ता है। विश्वासी का मिलता नहीं है तो आगे से ऑर्डर देगा। इस बार नहीं लाएगा पर ज्यादा क्यों है क्यों दूसरे दिन ले आओ ना। जब खाना हो फिर वो टेस्ट खराब हो जाता है खत्म खाना। वो लोग 5 लाए 10 लाए उनके तो जाते हैं रिश्तेदारियों में, हमारे थोड़ी जाते हैं। हमारे सब रिश्तेदार दूर है। वो स्वाद भी नहीं रहता। अभी आराम से बना हुआ है उसमें, मतलब जल्दी एकदम समय आराम से बना हुआ है। वही तो कह रहे हैं अभी सभी का स्वाद ज्यादा है। और जो भीड़भाड़ में ज्यादा बनता है रक्षाबंधन वाले दिन जो शिक्षित तो वगैरह उड़ाते हैं ना उसी में दो पहले तो वैसे बॉक्स आते थे बिल्कुल, मतलब पूरे में ऐसे गोल गोल से घेवर होते थे। ये तो कटोरी टाइप है जैसे डोनट होते ना डोनट छोटे। दो तरह के आते हैं छोटे घेवर, ये होता है बड़ा घेवर जो बॉक्स के साइज का होता है, तो बोलते हैं मिनी घेवर। मिनी घेवर ओ ये भी ब्रिजवासी के है स्पेशल। ओके तो गाइस अभी जो है पापा का मतलब चाचू का पर्स खो गया था तो पापा ढूंढ के लेके आए हैं। मतलब एक गेस्ट हाउस वाले अंकल को मिल गया था तो पापा लेके आए हैं उनसे। सब एटीएम है? हाँ एटीएम एटीएम कार्ड है कुछ है इंडियन ऑयल। ये क्या एटीएम? इसमें पापा दिखाओ ये कार्ड। तो गाइस अभी जो मैंने ट्यूशन पढ़ लिया मैंने आपको दिखाया था, मेरे सर के जो बड़े भैया हैं ना वो आए थे क्योंकि सर मेरे बिजी रहते हैं ठीक है, तो वो आ रहे हैं हमसे ठीक है। एंड अभी का टाइम हो रहा है 6:49 तो आज हमें जाना है मेले में बिकॉज आज है सावन का सोमवार। वैसे तो गुरु पूर्णिमा से ही स्टार्ट हो जाता है लेकिन नहीं आज याप। तो आज हम मेले में जाएंगे बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। एंड जैसे अगर आपने शिवरात्रि वाला ब्लॉग देखा हो तो दे आपको पता होगा हम कहाँ पे गए थे मेले में, तो वहीं पे आज भी जाएंगे। एंड अगर नहीं देखा आपने शिवरात्रि वाला ब्लॉग तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो जल्दी जाके देख लो या फिर यहाँ पे आई बटन है उतारा वहाँ पे आ जाएगा ठीक है देख लेना। ओके तो भैया जो है अभी चला रहा है साइकिल चलाने की उसमें। एंड अभी अम्मा और जो चाचू हैं वो गए हैं बाजार। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बैडमिंटन ठीक है, रेडी वेडी हो चुके हैं हम बैडमिंटन सीखने जाते ना, तो हम 3-4 दिन से नहीं गए हैं बिकॉज बैंड नहीं मिला। तो जल्दी जूते वगैरह पहनते हैं चलते हैं। अम्मा लोग आ गए हैं बाजार से, अभी सास को तो नहीं इतनी ज़्यादा क्यों भूल रही है। तो भाई अभी चाचू चले गए हैं दही लेने, हम अकेले रह गए। एंड भैया ने नए पहने टेनिस करके कोई जूते हैं, तो भैया ने वो पहने हैं। ये भी है क्या बैडमिंटन के? और तो यही है। तो भाई चाचू अभी आ चुके हैं। ओ चल चाची को, तो दही आ चुका है चाची नहीं दे दिया है चलते हैं। ओ ये नहीं लगवाई क्या? ये कब लगवाई? स्पॉन्ज है ये से लगवाई हुई चाचू ने। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जो है वो मतलब फुटबॉल वगैरह चल रहा था
एंड यहाँ पे, अबे यार तू बाल बाद में सेट कर रही, चल ले यार, ऑलरेडी 17 हो रखे हैं, चल ले, बाल बाद में सेट कर रही हो, मैं जा रहा हूँ वहाँ से। सुन नहीं तो तू बोतल, अबे घर आए तू यार। इट इज़ अबाउट 11:08 एंड आई थिंक चाचू नहीं है। 8:11 तो यहाँ पे हम मिलेनियम स्कूल के बाहर आ चुके हैं, चाचू अभी आ रहे हैं। चाचू ने हमसे बोली थी कि चाचू यहीं पे मिल जाएंगे हमें, तो बैठ जाते हैं। तो गाइस अभी लाइट चली गई है एंड हम जा रहे हैं मेला। मैंने बताया था आपको मेला है आज, तो अभी हम जा रहे हैं मेले की। अरे यार एक तो रास्ता बंद कर रहे हैं।